नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आप हॉस्टल में रहते हैं, क्या आप इंडिविजुअल हैं, या फिर आपका कोई स्मॉल ऑफिस है और आप अपने लिए इन गर्मियों के दिनों में एक बेस्ट स्मॉल रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको चार सबसे बेहतरीन, मोस्ट अफोर्डेबल, हाई डिमांडेबल और लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले मिनी रेफ्रिजरेटर्स यानी कि स्मॉल रेफ्रिजरेटर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें आप इस वीडियो के अंत में अपनी चॉइस के हिसाब से डिसाइड करके खरीद सकते हैं। बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये मिनी रेफ्रिजरेटर्स साइज में काफ़ी छोटे होते हैं, इनकी कैपेसिटी काफ़ी लो होती है, ये बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल होते हैं यानी कि आप इन्हें ईजिली कैरी कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनकी प्राइस काफ़ी लो होती है। लेकिन दोस्तों, इन मिनी रेफ्रिजरेटर्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि यदि आपका फैमिली साइज बहुत बड़ा है तो ये रेफ्रिजरेटर्स आपके बड़े फैमिली साइज के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक या दो लोगों के लिए सुटेबल हैं। तो चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि किन किन बातों को ध्यान में रखकर हमने इन मिनी रेफ्रिजरेटर्स को आपके लिए चुना है। सबसे पहले हमने ये ध्यान में रखा है कि प्रत्येक मिनी रेफ्रिजरेटर की प्राइस अफोर्डेबल होनी चाहिए। दूसरी बात हमने ये ध्यान में रखी है कि प्रत्येक मिनी रेफ्रिजरेटर में आपको वारंटी जरूर मिलनी चाहिए। तीसरी बात हमने ये ध्यान में रखी है कि प्रत्येक मिनी रेफ्रिजरेटर के कस्टमर फीडबैक्स पॉजिटिव जरूर होनी चाहिए। चौथी बात हमने कैपेसिटी को ध्यान में रखकर इन मिनी रेफ्रिजरेटर्स को आपके लिए चुना है। पांचवा पॉइंट हमने ये ध्यान में रखा है कि प्रत्येक मिनी रेफ्रिजरेटर का एनर्जी कंजम्पशन लो होना चाहिए, जिससे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी बचत हो। छठा फैक्टर हमने ये ध्यान में रखा है कि प्रत्येक मिनी रेफ्रिजरेटर का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। सातवां और आखिरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमने ये ध्यान में रखा है कि आपको मिनी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर कंपार्टमेंट जरूर मिलना चाहिए, जिससे कि आप उसमें बर्फ जमा सकें, केक को रख सकें, आइसक्रीम रख सकें, बटर या चीज़ को रख सकें, या फिर फ्रोजन फूड को रख सकें। बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारी लिस्ट में मौजूद दो मिनी रेफ्रिजरेटर्स में आपको फ्रीजर कंपार्टमेंट मिलता है, जबकि बाकी दो मिनी रेफ्रिजरेटर्स में आपको फ्रीजर कंपार्टमेंट नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये थे सात इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिनको हमने ध्यान में रखकर और डिटेल रिसर्च करने के बाद ही इन टॉप फोर बेस्ट मिनी रेफ्रिजरेटर्स को आपके लिए चुना है, जिनका आज हम इस वीडियो में डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। लेकिन हर बार की तरह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन मिनी रेफ्रिजरेटर्स की कीमत दिन प्रतिदिन ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए मैं आपको इनकी सिर्फ अप्रोक्सीमेट प्राइस ही बताऊंगा। लेकिन यदि आप इनकी करंट प्राइस चेक करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम ज्यादा देर नहीं करते हुए इन टॉप फोर बेस्ट मिनी रेफ्रिजरेटर्स का डिटेल रिव्यू करते हैं। नंबर चार पर 9.6 आउट ऑफ 10 स्कोर और गुड रिमार्क के साथ आता है गोदरेज का 30 लीटर मिनी रेफ्रिजरेटर। इस मिनी रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी है 30 लीटर्स और इसका एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है 208 किलोवाट पर आवर। दोस्तों, ये रेफ्रिजरेटर आता है गोदरेज की तरफ से, यानी कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। इसमें आपको स्मॉल थर्मो इलेक्ट्रिक चिप मिलती है जो आपको एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग प्रोवाइड करती है। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको एलईडी लाइट्स मिलती हैं। इस रेफ्रिजरेटर में आपको 5 सेंटीमीटर का थिक PUF इंसुलेशन मिलता है जो कूलिंग को लंबे समय तक बनाए रखता है। यदि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है तो ये मिनी रेफ्रिजरेटर आपके होम इन्वर्टर पर भी काम करता है। इस मिनी रेफ्रिजरेटर की खासियत ये है कि इसमें आपको कंप्रेसर नहीं मिलता और ना ही ये रेफ्रिजरेंट्स का यूज़ करता है, बल्कि बिना कंप्रेसर और रेफ्रिजरेंट्स के ही ये रेफ्रिजरेटर आपको एफिशिएंट कूलिंग प्रोवाइड करता है। यानी कि ये रेफ्रिजरेटर 100% एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जो कि इसकी सबसे अच्छी बात है। ये मिनी रेफ्रिजरेटर सिर्फ 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ही टेम्परेचर मेंटेन रख पाता है। यानी कि इस रेफ्रिजरेटर में आप फ्रोजन फूड, केक, आइसक्रीम, बटर, चीज़ एक्सेट्रा नहीं रख सकते, जो कि इसका एक ड्रॉबैक है। दूसरा डिसएडवांटेज इस रेफ्रिजरेटर का ये है कि इसमें आपको फ्रीज़र कंपार्टमेंट नहीं मिलता, यानी कि आप इसमें बर्फ़ को नहीं जमा सकते। इस मिनी रेफ्रिजरेटर के बॉटम में आपको एक ट्रे मिलती है जिसमें आप वाटर ड्रॉपलेट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। ये रेफ्रिजरेटर काफ़ी साइलेंटली वर्क करता है। 1 ईयर प्रोडक्ट वारंटी के साथ ये रेफ्रिजरेटर आपको 7000 रुपये के करीब मिलता है। तो चलिए अब हम इसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। इसके प्रोज हैं गुड कूलिंग, साइलेंट ऑपरेशन, लो एनर्जी कंजम्पशन, एलईडी लाइट्स, नो डिफ्रोस्टिंग और ये रेफ्रिजरेटर 100% एनवायरमेंट फ्रेंडली है। रही बात इसके कॉन्स की, तो इसमें आपको फ्रीजर कंपार्टमेंट नहीं मिलता। इसमें आप फ्रोजन फूड, केक, आइसक्रीम या कुक्ड फूड स्टोर करके नहीं रख सकते।
दोस्तों यदि आपको फ्रीजर कंपार्टमेंट वाला मिनी रेफ्रिजरेटर चाहिए तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसके साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। इसकी बेस्ट बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 3 पर 9.7 आउट ऑफ 10 स्कोर और वेरी गुड रिमार्क के साथ आता है Amazon Basics 43 लीटर सिंगल डोर मिनी रेफ्रिजरेटर। इसकी कैपेसिटी है 43 लीटर और ये मिनी रेफ्रिजरेटर आपको मिलता है फ्रीजर कंपार्टमेंट के साथ, यानी कि इस रेफ्रिजरेटर में आप आइसक्रीम, केक, फ्रोजन फूड रख सकते हैं और बर्फ को जमा सकते हैं। इस रेफ्रिजरेटर में आपको फ्रीजर कंपार्टमेंट के अलावा डेयरी रैक, ड्रिप ट्रे, आइस क्यूब ट्रे और रिमूवेबल शेल्फ भी मिलती है। ये सभी चीज़ें इस रेफ्रिजरेटर को एक कंप्लीट मिनी रेफ्रिजरेटर बनाती हैं। ये रेफ्रिजरेटर आता है रिवर्सिबल डूर और 8 टेम्परेचर सेटिंग्स के साथ। इसका हाई क्वालिटी फोमिंग मटेरियल इस रेफ्रिजरेटर की थर्मल इंसुलेशन और कूलिंग रिटेंशन को इंक्रीज करती है। 1 ईयर प्रोडक्ट एंड 5 ईयर कंप्रेसर वारंटी के साथ ये मिनी रेफ्रिजरेटर आपको मिलता है। इसके प्रोज हैं इसका गुड कूलिंग, फ्रीजर कंपार्टमेंट, लो नॉइज एंड लो एनर्जी कंजम्पशन। इसका सिर्फ एक ही कॉन है और वो ये है कि इसमें आपको LED लाइट्स नहीं मिलती। इसकी भी बेस्ट बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 2 पर 9.8 आउट ऑफ 10 स्कोर और बेस्ट रिमार्क के साथ आता है एस्ट्रो AI का 4 लीटर मिनी रेफ्रिजरेटर। दोस्तों हमारी लिस्ट में ये मिनी रेफ्रिजरेटर सबसे यूनिक है क्योंकि इसमें आप अपने खाने को ठंडा भी रख सकते हैं और गर्म भी, क्योंकि इसमें आपको कूलर और वार्मर दोनों भी फीचर्स मिलते हैं। ये मिनी रेफ्रिजरेटर आपके खाने को अप टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करता है और अप टू 66 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करता है। इसका नॉइज लेवल है सिर्फ 25 डेसिबल्स, यानी कि ये साइलेंटली वर्क करता है। इस रेफ्रिजरेटर में आपको एक स्विच मिलता है जिसकी हेल्प से आप कोल्ड मोड या हॉट मोड ऑन कर सकते हैं। इस मिनी रेफ्रिजरेटर में भी आपको एक सेमीकंडक्टर रेफ्रिजरेशन चिप मिलती है जो आपको बेटर एंड एफिशिएंट कूलिंग प्रोवाइड करती है और आपको बेटर इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। इस रेफ्रिजरेटर के बैक साइड में आपको एक सिगरेट लाइटर प्लग भी मिलता है। ये भी रेफ्रिजरेटर एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। इसमें आपको एक कन्वीनियंट कैरी हैंडल मिलता है, यानी कि आप इस रेफ्रिजरेटर को ईजिली अपने घर से ऑफिस या फिर सफर के दौरान कैरी कर सकते हैं। 3 ईयर वारंटी के साथ ये रेफ्रिजरेटर आपको 11,500 रुपये के करीब मिलता है। अगर बात करें इसके प्रोज एंड कॉन्स की, तो इसके प्रोज हैं इसका एक्सलेंट कूलिंग, इसका कूलर एंड वार्मर फीचर, इसका लो एनर्जी कंजम्पशन, इसका लो नॉइज, इसे आप इजीली कैरी कर सकते हैं और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। रही बात इसके कॉन्स की, तो इसके 2 कॉन हैं। पहला कॉन इसका ये है कि इसकी कैपेसिटी काफ़ी लो है, जो कि है सिर्फ 4 लीटर, और दूसरा कॉन इसका ये है कि इसमें आपको फ्रीज़र नहीं मिलता। यदि आप ज़्यादातर ट्रैवलिंग करते हैं या फिर आप रोज़ाना ऑफिस जाते हैं तो ये रेफ्रिजरेटर आपको सूट करता है। आप डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हैं। इसकी भी बेस्ट बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर 9.9 आउट ऑफ 10 स्कोर और एक्सलेंट मार्क के साथ आता है हायर का 53 लीटर 2-स्टार डायरेक्ट कूल सिंगल डोर डेस्कटॉप फ्रिज। इस रेफ्रिजरेटर में भी आपको एक फ्रीजर कंपार्टमेंट मिलता है। इसकी एक्चुअल कैपेसिटी है 50 लीटर्स। इस रेफ्रिजरेटर में आपको टफन ग्लास शेल्फ्स और थिकर इंसुलेशन मिलती है। इसका एनर्जी कंजम्पशन काफ़ी लो है। 1 ईयर प्रोडक्ट एंड 5 ईयर कंप्रेसर वारंटी के साथ ये मिनी रेफ्रिजरेटर आपको 9,000 रुपये के करीब मिलता है। इसके प्रोज हैं इसका सुपर कूलिंग, फास्टर आइस मेकिंग प्रोसेस, साइलेंट ऑपरेशन, फ्रीजर कंपार्टमेंट एंड लो एनर्जी कंजम्पशन। और इसका कॉन है, इसमें भी आपको ऑटोमेटेड LED लाइट सिस्टम नहीं मिलता। तो दोस्तों ये था मिनी रेफ्रिजरेटर्स का रिव्यू। यदि आप इनमें से किसी भी रेफ्रिजरेटर को अभी खरीदना चाहते हैं या फिर आप इनकी सिर्फ प्राइस चेक करना चाहते हैं तो मैंने इन सभी रेफ्रिजरेटर्स की बेस्ट बाइंग लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप सीधे लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के आगे भी वीडियोज़ पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो का अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।